इस अवसर पर अष्टमी के दिन महालक्ष्मी जी को 56 भोग लगाया जाता है। 16 सब्जियों को एक साथ मिलकर भोग लगाया जाता है। साथ ही ज्वार के आटे की आंबिल और पूरन पोली का महाप्रसाद प्रमुख होता है। परंपरानुसार ब्राह्मण बटुकों एवं सुहागिनों को भोजन व प्रसाद का वितरण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी की आराधना से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इन तीन दिनों में महालक्ष्मी की प्रतिमा ज्येष्ठा व कनिष्ठा का विशेष श्रृंगार किया जाता है। कई स्थानों पर महालक्ष्मी उत्सव बेहद ही उत्साह और उम्दा तरीके से मनाया जाता है। महालक्ष्मी उत्सव के दौरान लक्ष्मी जी के पंडाल को आकर्षक तरीके से सजाया जाता है। महालक्ष्मी की पूजा फुलेरा बांध कर की जाती है। घरों में तरह तरह के पकवान बनते हैं। यह पूजा विशेष तौर पर घर की बहुओं द्वारा की जाती है। महिलाएं साथ में मिलकर ढोलक मंजीरों के साथ भजन कीर्तन गाती हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी की मूर्तियों में कोई भी बदलाव तभी किया जा सकता है जब घर में कोई शादी हो या फिर किसी बच्चे का जन्म। माता की प्रतिमाओं के अंदर गेहूं और चावल भरे जाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि हर घर धन्य धान्य से भरपूर रहे। महाराष्ट्रीय समाज द्वारा महालक्ष्मी का 3 दिवसीय पर्व 4 सितंबर से मनाया जा रहा है। इस पर्व के तहत महाराष्ट्रीय परिवार में महालक्ष्मी आली घरात सोन्याचा पायानी भर भराटी घेऊन आली सर्व समृद्धि घेऊन आली ऐसी पंक्तियों के साथ महालक्ष्मी की अगवानी की जाती है। माता लक्ष्मी अपने परिवार के साथ हमारे घर में आए, घरों में सुख सम्पन्नता और सदैव लक्ष्मी का वास हो, कुछ ऐसी ही मनोकामना के साथ महाराष्ट्रीय परिवार 3 दिवसीय महालक्ष्मी उत्सव का आयोजन करते हैं। इन परिवारों में यह परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। महालक्ष्मी व्रत में घर को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है और 3 दिनों तक विविध आयोजन किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी के जिस रूप की पूजा की जाती है वो देवरानी जेठानी है। अपने 2 बच्चों के साथ वो इन दिनों मायके आती है। मायके में आने पर 3 दिनों तक उनका भव्य स्वागत किया जाता है। पहले दिन स्थापना, दूसरे दिन भोग और तीसरे दिन हल्दी कुमकुम के साथ माता की विदाई की जाती है। लेना करी बिचना